अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गो पान चैनल भाई नमान के साथ को वेलकम कहते हैं। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हैबस। हैबस प्लांट मतलब दो कलर के इस फूल होते हैं। एक फूल इसका सादा होता है जिसमें सिंगल फूल किसको जाता है, एक फूल इसका डबल होता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसके कलर मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। आप इसकी अपनी मर्ज़ी के कलर मार्केट से गिर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कलर देखे हैं मार्केट के अंदर, वो आठ कलर देखे हैं। आठ कलर डेटा मेरे यहाँ चाटकोट शहर से आपको मिल जाएंगे, आठ के आठ कलर मिल जाएंगे आपको। आज हैबस के बारे में बताने आया हूँ। ये नवी वैरायटी है मेरे पास, ये पहले जो नहीं थी मेरे पास। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दे दूँ पहले। इसके सनलाइट आप कितनी दोगे उतनी काम है इसके लिए। कितनी सन वहाँ आपके यहाँ आती है, 10 घंटे की हो नहीं तो 9 घंटे की हो, उसको दे दो, इससे कुछ नहीं होगा। पानी फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दो टाइम इसको पानी आपने भर कर देना है। खाद NPK 20 आपने इसको देनी है। हर 14 दिन बाद आपने चाय वाले 2 चम्मच को डालने हैं, क्यों ये 12 इंच की बाल्टी है मेरे पास, उसमें ये पौधा लगा हुआ है और उसको मैंने बड़े वाली मिट्टी दी हुई है। और मैं कोशिश करता हूँ हर 14 दिन बाद मैं इसको खाद दूँ और इसको मैं दे रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा पौधा एकदम जा रहा है। मैं आपको उसके लीफ शो करता हूँ, आप उसके लीफ देखना है। देखिए लीफ के ऊपर दो आपको तीन शेड नज़र आएंगे, एक सब्ज, वाइट और पिंक। ये मैं आपको पास करके शो कर देता हूँ, ये देखें आपको तीन तीन कलर के शेटें नज़र आएंगी। ये देखें, मैं आपको यहाँ पास करके बताता हूँ, ये देखें। इसके लीफ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इसके लीफ अच्छे लगे थे इसकी मैं पौधा लगाया था नर्सरी से। इसकी आप एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, एडिटिंग से बहुत जिद्दी ग्रो करता है। इसके कलम से आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसके बीजों में ग्रो करने में आपको टाइम लगेगा, पौधों को बड़ा करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप कलम से और एडिटिंग से जल्दी इसको आप ग्रो कर सकते हो, उसकी हर वैरायटी को बहुत जल्दी आप ग्रो कर लोगे। अब मैं आपको उसका फूल शो करता हूँ। उसका फूल पिंक कलर का होता है, और यह फूल देख लें, ये इसका पिंक कलर का फूल लगा हुआ है, ये देख लें, ये इसका फूल है भाई, ये टाइम पिंक कलर का फूल है इसका, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें। ये फूलों से भी बढ़ने वाला है, सब काफ़ी सारा कलियाँ सब लग चुकी हैं और खाद ने अपना काम इस पर कर दिया, मतलब शुरू कर दिया, कलियाँ इस पर आनी शुरू हो चुकी हैं। ये इसका पहला फूल था कि मैंने आपको शो किया, क्योंकि मेरे पास पहली बार फूल देने जा रहा है, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। मेरे पास आपको पता होगा मेरे पास हैबस दूसरे भी है, लाल फूल वाला, बड़े फूल वाला, उसके बाद हैबस डबल फूल वाला भी है मेरे पास, तो उसके बाद एक सिंगल फूल वाला भी मेरे पास हो रहा है। मेरे पास कम से कम 4 पौधे थे हैबस के जूद हैं टाइम, और 5वां मैंने कटिंग से गो किया था काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा मैंने गिफ्ट दिए हैं दोस्तों को, उनको अच्छे लगे हैं गिफ्ट टाइम। आप देखें, आप इससे कटिंग बहुत आसानी से गो कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। 60% आपने 60% सड़ा हुआ गोबर की खाद लेनी है, और 40% आम गार्डन की मिट्टी लेनी है, मतलब भर लानी, उसको मिक्स कर कर एक पॉट में आपने कम से कम 4 इंच के पॉट में आपने भर लेना है। भरने के बाद आप उसमें 4 कलमे आपने गो कर देनी है। गो करने के बाद उसको पानी देना है, कम से कम 6 दिन की उसको आपने छांव में रखना है, और 6 दिन के बाद उसको उठा कर आपने धूप में रख देना है। कहाँ धूप कम से कम 3 घंटे 4 घंटे की आए, उससे ज़्यादा धूप ना आए, आपने बस ये कहा रखना है। उसके बाद आपके इंशाल्लाह 1 महीने बाद आपके कलमे इतनी अच्छी चली होंगी, आपको देखना रान हो जाएंगे, कोई रोटिंग पाउडर कोई चीज़ की जरूरत आपको नहीं वहाँ पड़ेगी, ये बहुत आसानी से चल जाती हैं। चले, मेरा आज टॉपिक यही था, मैं आपको उस पौधे के बारे में क्या टिप दूँ और साथ इसके बारे में आपको कुछ सिखा सकूँ। चलें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मैं आपको एक बार फिर फूल शो करने लगा हूँ, ये देख लें, इसका फूल है पिंक कलर का, देख लें। चलें, आपसे फिर मुलाकात होगी नवी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।